किसने देखा स्वराग भरतरी हे रे अप्पा मरे बिना हे रे क्यों करे आज सबरे जब तक तुझे विश्वास नहीं होगा। भैया मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, तू मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, तू रोएगा और मुझे याद करेगा लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। पहली बात के द्वारा कैसे लिखा क्या बताया, गलत से हिसाब तेरे तेरी रानी के आवे सैतने, तेरी रानी के आवे सैतने, दिन और रात खा तेरी बहू ना, तेरी बहू ना मानती तेरी माड़ी सी विदा, माड़ी सी विदा मान सम्मान करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद। और हमारे अंकल जी आदरणीय घीसा राम चौहान जी, वो भी 100 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे, धन्यवाद। और आदरणीय देवी राम प्रधान जी रामपुर से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान दे रहे, धन्यवाद। आदरणीय सरजीत रामपुर से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान के, धन्यवाद। और आदरणीय बालाजी साउंड सर्विस, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद। सुनेगा दूसरी बात में विक्रम कैसे अपने भाई को समझा रहा है, क्या लिखा।
ताजी तेरे माथे देते हैं अंकल जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आने के लिए। और तीसरी बात के द्वारा वो विक्रम अपने भाई को ये कह रहा है कि अरे तू अपनी लुगाई के कहे में चल रहा है, भैया तू मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, तेरी बहू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सुनेगा तीसरी बात के माध्यम से कैसे विक्रम कह रहा है। बीच में आए हैं अंकल जी, सूर पे सपना आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेहरबानो। और हमारे बीच में पहलवान जी भी आए हैं, इधर बैठे हैं साउंड की साइड में, वो भी 50 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। ये कहने लगा विक्रम के भैया
मैं तो तुझे बहुत समझा रहा हूँ, इशारा भी कर रहा हूँ, लेकिन तेरी बुद्धि में एक भी बात नहीं बैठ रही है। चौथी बात के द्वारा दादा मांगे राम ने कैसे तोड़ किया रागनी का, क्या लिखा ये? सामने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी उसकी बातें सुनकर के दूसरे आदमी के सामने बताता है और उसकी मजाक बनाता है। मेहरबानों पहली बात के द्वारा कैसे लिखा, क्या बताया? Yeah!
जी पाटोदा से जो 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद मेहरबानों। पहली बात में दादा ने ये लिखा कि लड़कों को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात में बेटियों के बारे में लिखा कि बेटी कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात में क्या बताया, कल बिगड़े पल में विष बोए जा, क्रोध करे ते कल बिगड़े पल में विष बोए जा, मेरे भीतर भीतर रोए जा, मेरे भीतर भीतर रोए जा। दाता मरहम बताया रोहन रीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया रोहन रीति में रात चला जा। इतना बड़ा झूठ तो झूठ होता है, कभी किसी आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो कलयुग का दौर है, यहाँ पर सभी झूठ बोलते हैं। आजकल झूठ बोले बिना कोई बात ही नहीं बनती है, आजकल का ऐसा टाइम आ गया। सुनेगा तीसरी बात में दादा ने क्या लिखा, छूट जा भोगनी पड़े गुलामी, गद्दारी में देश छूट जा भोगनी पड़े गुलामी, तेरे लुच्चे गुंडे के मिलने, तेरे लुच्चे गुंडे के मिलने ते पड़े धर्म में खामी, कुसंग करे ते ना मिले ठिकाना हो जाती बदनामी, कुसंग करे ते ना मिले ठिकाना हो जाती बदनामी। अरे कौन सी चीज जगत में जामी रे, कौन सी चीज जगत में जामी जा, नहीं काल ने खाया अनरीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया ये अनरीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया।
का भजन भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ता है मेहरबानो। और जो अच्छा काम करता है वो आदमी के साथ जाता है, और जो बुरा काम करता है उसे लोग पूछते नहीं है, कुछ टाइम के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वो जन्मों जन्मों तक के लिए अपना नाम छोड़ जाते हैं। तो इसलिए बताया कि आदमी को दान भी करते रहना चाहिए। सुनेगा चौथी बात में क्या तोड़ किया। रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़े सबिन फेरे, रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़े सबिन फेरे। अरे सतगुरु सेवा भजन करे बिन रे, सतगुरु सेवा भजन करे बिन हो जा उजड़े ढेरे, आलस करे ते भजन छूट जा न कटे चौरासी फेरे, आलस करे ते भजन इस तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का महसूल तेरी, काशी का रूल तेरे मरघट का महसूल हो करे, कर ले ने कबूल मने या कह दिया रे 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 या कह दिया तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का महसूल तेरी, काशी का रूल तेरे मरघट का महसूल वो काले कर ले ना कबूल मने ला के दिया रे 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 ला के दिया। सुने ते सुनाओ रे काले दुखियारी का हाल, चीर तार लाया रे होगे जोला में कमाल, चीर तार लाया रे होगे जोला में कमाल, वो तब जाना मैं करती फिरगी लाल हाय लाल, दुखियारी का एक बेटा वो भी पा गया काल, दुखियारी का एक बेटा वो भी पा गया काल, उसकी खोट ना खतार वादई राम ने सता, उसकी खोट ना खतार वादई राम ने सता, वो मने घिड़ा दी चितार करके बचर का ही आरे कह दिया तेरी काशी का रोल तेरे मरघट का महसूल तेरी, काशी का रोल तेरे मरघट का महसूल वो काले कर ले ना कबूल मने ला कह दिया रे 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 ला कह दिया।
चलना दूसरी बात के माध्यम से। कार्यभंगी कहता है, हरिचंद मेरा इतना भी सख्त आदेश नहीं था कि कोई दुखिया जिसके पास 100 रुपए का कर भी नहीं, वो हमारे शमशान में आई और तूने 100 रुपए के बदले में उसका कंठी और चीर ले लिया, मेरा इतना सख्त भी आदेश नहीं था। साधना दूसरी बात के माध्यम से वो सत्यवादी अपने सत्य पर चलता हुआ अपने मारे से क्या कहने का क्या बता दिया। उस पे वारिस के वारिस ने भी करी ना दया, बेवारिस न हो क्या से दुख और भी नया, बेवारिस न हो क्या से दुख और भी नया। बेवारिस का एक बेटा ढोर ना रहा, बेवारिस का एक बेटा ढोर ना रहा, वा थी बेवारिस के खास उसके पैसा नहीं पास, वा थी बेवारिस के खास उसके पैसा नहीं पास, वो मने फूकर दी ना लास उसका जीव ले लिया रे 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 कह दिया, वो तेरी काशी का रोल तेरे मरगट का मसोल, तेरी काशी का रोल तेरे मरगट का मसोल, वो काले कर ले ना कबूल मना, या कह दिया रे 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 या कह दिया। अपने मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, वो सत्यवादी एक बार तो दिल भर गया था मालिक, सोचा था कि पुत्र अपना है पत्नी। सजनों, इंसान के दिल में वो रहम वो अपना पना ही जाता है, लेकिन फिर अपने सत्य को और अपने मालिक को याद किया, दिल थम गया। तीसरी बात के माध्यम से वो सत्यवादी अपने मालिक को क्या कहना क्या बता दिया क्या। भाई कर मांगा जिब मालिक मैं भी सोच करू था, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था, लेना पड़ा जरूर तेरे और डरते डरू था। लड़के की चिता में चढ़ के आप मरू था, देखो लड़के की चिता में चढ़ के आप मरू था। उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट, उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट, अपने सर ने काट मैं तो तू देता जिया रे 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 काशी करोल तेरे मरगट का मसोल, तेरी काशी करोल तेरे मरगट का मसोल, वो काले कल्ले ने कबूल मने, या कह दिया रे 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 या कह दिया।
साथियों, इस प्रकार से जब सत्यवादी राजा हरिचंद ने बताया कि लड़की की चिता में जड़ के आप मरु था, उसकी माता गई नाट लिया हाथ पड़ के डांट उस कालिया भंगी को। महसूस हो गया कि कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। कहने लगा मालिक कि बता हरिचंद क्या छुपाना चाहता है, कोई ना कोई राज है तेरी बातों में, तेरा क्या रिश्ता है उस लाश के साथ जिसमें तू जड़ के मरना चाहता था, तेरा क्या रिश्ता है उस औरत के साथ जिस औरत ने तेरे हाथ को पकड़ के डांट लिया रोक लिया। सजनों डगमगा जाता आंखों में आंसू भर जाता, कहता महाराज एक बड़ी भूल हुई हमसे, ये छुपाया हमने एक राज आपसे, जो चिता जड़ने वाली है या जड़ रही है वो मेरी पुत्र की लाश है, और जो औरत मुझे हाथ पकड़ के रोक रही थी वो मेरी औरत, वो मेरी धर्म पत्नी है। सजनों आखिरी बात में क्या निचोड़ कर दिया, बता क्या बता दिया, क्या लिख दिया। हाँ गुरु मुंशी की मैं है दया चंद ज्ञान घुट गया, जिसकी छा में बैठू था वो रुक टूट गया, जिसकी छा में बैठू था वो रुक टूट गया। वो दुखियारी का एक बेटा नाक छूट गया, नाम से हरिचंद मेरा भांडा फूट गया, नाम से हरिचंद मेरा भांडा फूट गया। वो मेरा आलिया वक्त अखील उसका लया तार के चीर, मेरा आलिया वक्त अखील उसका लया तार के चीर। वो से गुल दुखिया की पीर मैं सूं उसका पिया रे 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 के दिया, वो तेरी काशी करोल तेरे बरगद का मसोल, तेरी काशी करोल तेरे बरगद का मसोल। वो करे कर ले ना कबूल मने ला के दिया रे 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 ला के दिया। दुनिया न्यारी चाहिए तो चा...
हरि मांगे आराम दी सोठे भी रहती तर पिया इन्हर मार के ये लाना रे पिया इन्हर मार के लाना आइए परम आदरणीय महावीर भट्टा कंपनी कोका कुलाना 8000 ईट पहले और आज मड़वा भट्टे के लिए गौशाला में दान किया है 8000 ईट पहले और आज मड़वा भट्टे का और 1000 रुपए पार्टी के लिए देते हैं। महावीर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अरे तेरे बिन मैं किस ते कहूंगी मेरे दुख सुख के ओटा अरे भूख प्यास में नहीं रे कटे पिया बारे साल सोटा हो पिया बारे साल सोटा अरे मेहरवाना तीसरी बात में वो राजा नल रानी दमयंती को समझाता हुआ क्या कहने लगा और 100 रुपए हमारे अंकल राजेंद्र जी ने भी हमारा सम्मान किया और तीनों अंकल ने हमारी इस रागिनी की फरमाइश की उन्होंने भी 100 रुपए से सम्मान किया। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिख दिया अरे धनुष बाण मेरे पास नहीं कैसे आजमाऊं बलने वो कैसे
होरी जो लाता तोड़ी के फड़े में हर तीतर के पक रड़े को धोती है की राजा नल दमयंती रानी क्या कहने लगती है और क्या सोचती है, क्या लिखती है अगर रानी नरानी में कैसी हुई रे बर्बादी, पिया मेरा नंगा खड़ारे हुया हुई जिसके संग मेरी शादी हो हुई जिसके संग मेरी शादी, और फिर रानी ने साड़ी अपने प्रीतम को पकड़ा दी, फिर दोनों ने साड़ी फाड़ के कर लिया दिया दी ओ साड़ी कर लिया दिया दी, और गोरी से कर काचे लापी रूम कमरे में आगाना बबटा कितनार कमल जा फिर तोहते गाड़ा में बबटा कितनार कमल जा फिर तोहते गाड़ा में ओ गऊ माता अरे उसका बाछड़ा फिर रोवते गाड़ा में बबटा कितनार कमल जा फिर तोहते गाड़ा में बबटा कितनार कमल जा फिर तोहते गाड़ा में
रहे थी, पाछे बछड़ा जा रहा था, भूखे की वकिया सुकड़री सुनका पीना खा रहा था। भूखे की वकिया सुकड़री सुनका पीना खा रहा था। अरे हिम्मत करके घेर में बढ़ गया, या नजर जित आ रहा था, उसने देख के घेर का मालिक हाथ पावड़ा खा रहा था। उसने देख के घेर का मालिक हाथ पावड़ा खा रहा था। ओ मार मार के खाल तार दी, मार मार के खाल तार दी, जान लगो ते गाड़ा में एक मोटा कितने डाल का मिले जा फिर टोवते गाड़ा में एक मोटा कितने डाल का मिले जा फिर टोवते गाड़ा में। छाती पाटे थी, आख्या के मैं पानी भर अपने बछड़े न चाटे थी, आख्या के मैं पानी भर अपने बछड़े न चाटे थी। अरे इंसानों ने जख्म दिए वा पशु दर्द न बाटे थी, प्रेम का मरम लाके घापे उसके दुख न बाटे थी, प्रेम का मरम लाके घापे उसके दुख न बाटे थी। के न्यू ही भेजे धरती पे, ये न्यू ही भेजे धरती पे की फिर है हम गाड़ा में एक मोटा कितने डाल का मिल जा फिर टोवते गाड़ा में एक मोटा कितने डाल का मिल जा फिर टोवते गाड़ा में। आजकल जिसे हमने माँ का दर्जा दिया उस गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। पहले हमारी माता बहनें सबसे पहले रोटी उस गौ माता के लिए निकालती थी, कोई बिजार या गौ माता दुआ पर आती थी तो चारा दिया करते थे, लेकिन आज दो चार लट जरूर पड़ जाते हैं, दर बदर घूम रही है, पन्नियां खा रही है, गंदगी खा रही है। वो गौ माता अपने बछड़े को फटकारती हुई कैसे कहने लगी, क्या बता दिया, ओ बड़ी खोर मैं झूठ दिखगी, बड़ी खोर मैं झूठ दिखगी, खुल्ला पागरी गेट मन रूखा सूखा खाके मैं भरना चाया पेट मन रूखा सूखा खाके मैं भरना चाया पेट मन। ओ के बेरा था ईसा कसाई घेर में जागा फेट मन भाग दौड़ के जान बचल मत पल में देता पेट मन भाग दौड़ के जान बचल मत पल में देता पेट मन। ओ इसे कौन से पाप करे माँ इसे कौन से पाप करे जिन हांड ढोव दे गाड़ा में एक मोटा कितने डाल का मिल जा फिर ढोव दे गाड़ा में एक मोटा कितने डाल का मिल जा फिर ढोव दे गाड़ा में।
गौ माता कि कभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हमको चराया करते थे, ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण मारा गया करते थे और इतनी इज्जत थी गौ माँ की, सौ भी खाया करते थे और घर बारी बेटे तबड़ बछड़े को चाया करते थे। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। आखिरी बात में क्या देखा, उन्हें क्या बताया? जी हमें चराया करते ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण भरगाया करते, ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण भरगाया करते, घर बारी बेटे ते बड़ बछड़े ने चाया करते, इतनी इज्जत थी गौ माँ की सौ भी खाया करते, इतनी इज्जत थी गौ माँ की सौ भी खाया करते, ओ हरि किशन के पेट की खातिर, हरि किशन के पेट की खातिर दुखी फिर है हम गाड़ा गौ माता की जय। और इस सन से संसार भरे में, भाई सन से संसार भरे में, कर कर करामात चले गे भाई, बड़े बड़े तपधारी तप करके उत्पात चले गे, सन से संसार भरे में, सन से संसार भरे में, वो कर कर करामात चले गे वही बड़े बड़े तपधारी तप करके उत्पात चले गे, सन से संसार भरे में, संसार भरे में, और मार कंडे पारा सुर उद्यालक और वेद व्यास दुर्वासा अगस्त सरंगी गौतम वशिष्ठ सन खास, वाल्मीक सुखदेव मुनि कृपालु और हरिदास, धुरु और प्रह्लाद पूरण भगत का भी है इतिहास, धुरु और प्रह्लाद पूरण भगत का भी है इतिहास, जी आज्ञा फिर मरे मैं, जी आज्ञा फिर मरे मैं, ओ गुरु गोरखनाथ चले गए भैर भृगु पंडित विष्णु जी के मार कलात चले गए, सन से संसार भरे में, सन से संसार भरे में, कुंभकर
संत जरासंध दुर्योधन की चक चंडाल सल्ले सुगनी दुशासन ने द्रौपदी के खींचे बाल भगदंत का गोत सगड़ जिसके साठ हजार लाल भगदंत का गोत सगड़ जिसके साठ हजार अश्वेती ही अग करे मैं अश्वेती ही अग करे मैं वो सारे एक साथ चले गए भाई कपिल मुनि के लात मार योद्धा बिन बात चले गए सन से संसार भरे मैं सन से संसार भरे मैं ऐसे वीर ऐसे ऐसे योद्धा ऐसे ऐसे दानी इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने अपने सर का भी बलिदान दे दिया और तीसरी बात में क्या लिखा भला और अजय अंब विक्रम करण अर्जुन का सुत बबरा भान जगदेव कुंवर ने भी कर दिया सर अपने का दान मोर ध्वज कृष्टी भम्मा दशरथ ने भी दिए प्राण शिव दधीचि हरिचंद्र राजा सत्वादी और सत्यवान शिव दधीचि हरिचंद्र राजा सत्वादी और सत्यवान बल राजा दान करे मैं बल राजा दान करे मैं नपवा के गात चले गए भैरंदासी बढ़िया सिरसा कदम भर के बात चले गए सन से संसार भरे मैं सन से संसार भरे मैं पीछे रजपूती के सर का हो गया ताज वीरान आपस के में फूट पड़गी जयचंद हो गया बेईमान इस्लामी की कमजोरी ते आन बसे क्रस टान क्यों रघुनाथ बावड़ा हो रहा छोड़ दे दुनिया के ध्यान क्यों रघुनाथ बावड़ा हो रहा छोड़ दे फल सूखे बाग हरे मैं फल सूखे बाग हरे मैं यूं सुख हजराज चले गए भाई अकबर शाह सिकंदर जैसे भी खाली हाथ चले गए सन से संसार भरे मैं सन से संसार भरे मैं कर कर करामात चले गए भाई बड़े बड़े तपधारी तर करके उत्पात चले गए सन से संसार भरे में सन से संसार भरे में भाई धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए भाई सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए धर्म बगीचे सूख गए रे धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए वो सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए
कहीं पुत्र पिता ने काट रहा, कहीं पुत्र पिता ने काट रहा, और भाई काट दिया भाई ने, कहीं पिता पुत्र ने काट रहा सर, काटा खास लुगाई ने, कहीं पिता पुत्र ने काट रहा सर, काटा खास लुगाई ने, कहीं बहन ने भाई कत्ल करा, और ससुरा करा जमाई ने, फूफी ने भतीजी मरवा दी, धरती की कपट कमाई में, फूफी ने भतीजी मरवा दी, धरती की कपट कमाई ने, कोई मार रहा निज ब्याही ने, कोई मार रहा निज ब्याही ने, जाने कितने और मरे होंगे, ये सतपुरुषों को झूठ बताते पापी छोर खड़े होंगे, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी छोर खड़े होंगे, दूसरी बात के माध्यम से बता दिया कि नौजवान तो नौजवान, आज के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, वो भी किसी से पीछे नहीं, और दूसरी बात के माध्यम से क्या दर्शाया, क्या लिखा भला, भाई गया जमाना बदल देख लो, गया जमाना बदल देख लो, कैसे उल्टे ख्याल हुए 60 साल की बुढ़िया के भी, फिर से काले बाल हुए भाई, 60 साल की बुढ़िया के भी फिर से काले बाल हुए, बूढ़े ने मूछ करी काली, बालों पे खिजाब कमाल हुए, आशिक और मासूक बने जाते भारत माँ के लाल हुए, आशिक और मासूक बने जाते भारत माँ के लाल हुए, भाई अब तो नेता मौज करे रे, अब तो नेता मौज करे, वीरों ने दुख भरे होंगे, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े होंगे, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े होंगे, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो, चाहे जमींदारा हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, हमारी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, एक बार जोरदार तालियां इन लेडीज कलाकारों के सम्मान में भी हो जाएं। आइए तीसरी बात के माध्यम से क्या लिखा भला, भाई लड़की तो हो छोरे बन गए, लड़की तो हो छोरे बन गए, और लड़के बनने लगे छोरी, पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, और लड़कों की कापी कोरी, पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, और लड़कों की कापी कोरी, भाई देश की शान बढ़ा रही लड़की, लड़कों की टोली सोरी, लड़की मेडल, लड़की मेडल जीत रही, और लड़के करते खिली कोरी, लड़की मेडल जीत रही, और लड़के करते खिले कोरी, भाई दुनिया झंझट ने झोरी रे, दुनिया झंझट ने झोरी, और धर्म से लोग परे हो गए, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए,
ठाकुर सो को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। भाई यू कैसी रफ्तार चली रे, यू कैसी रफ्तार चली, मानस ते मानस डरने लगे, भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे। भाई भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे। दया धर्म का खोज रहा ना, जेब नोट ते भरने लगे, सतगुरु श्री हरि के स्वर्ग में जा देवों की शरण लगे। सतगुरु श्री हरि के स्वर्ग में जा देवों की शरण लगे। धर्मवीर कहे बैतरणी से, धर्मवीर कहे बैतरणी से, सबसे अपतर होंगे, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए। सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए।